ये जिंदगी के सूल है जी। पहला सूल क्या है जी? हैबिट्स। सबसे ज्यादा काम इस पे करेंगे। काम क्या? जिंदगी के असूल अगर बनाने हैं, अगर आप उस रिश्ते में आ चुके हैं और आपको लगा है कि अब वो क्या कहते हैं डोरीमोन वाला टाइम गुजर रहा है, ठीक है, अगर वो डोरीमोन वाला टाइम गुजर रहा है तो फिर आप अपने असूलों को बेहतर करें। दो मियां बीवी जब इकट्ठे रहते हैं तो किसके साथ रह रहे होते हैं? जब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ ही रह रहे हैं। शुक्र है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आ रहे हैं। हम बंदे के साथ नहीं रह रहे हैं, औरत के साथ औरत नहीं रह रही है, उसकी आदतों के साथ है। हम किसी की शख्सियत को डराई नहीं कर रहे, उसकी आदत को डराई कर रहे होते। एक हमारी आदत होती है कि हम प्रेफरेंस मांगते हैं, पहल। इस रिश्ते में पहल कहां जाएगी? हम डोमिनेट होता ना आजकल, अगर नहीं है तो आप भी अक्सर गए होंगे शादी ब्याह में, तो आप लोग सारे गए होंगे, जब खाना खुलता है तो क्या होता है? टूट पड़ते हैं और बाद में खुद टूट जाते हैं। मैं पिछले दिनों एक शादी पे गया तो यकीन करें वहां पे हर डिश थी, और जब वो शादी का फंक्शन खत्म हुआ तो यकीन करें आई हैव टेकन फोटोग्राफ्स। मैं क्योंकि वेन्यू पर शेयर करता हूँ, मैं यहाँ नहीं शेयर कर सका, अगर चाहेंगे तो करा दूंगा। हर प्लेट में आधे से ज्यादा सालन, हर पेट में आधे से ज्यादा राइस होता है, और अच्छा खाना। इससे इससे पता क्या चलता है? मैनर्स। मैं चंद दिनों पहले एक और बात करने लगा हूँ, ये फोकन नाइफ पिज्जा खाने गए तो वहां पे वो सैलड देते हैं, तो वो कहते हैं जी सैलड वहां होता है जी, सैलड का बाउल आपने लेना है पैसे बोलिए, सैलड का बाउल आपने लेना है पैसे बोलिए। तो वो हम बाउल कैसे भरते हैं? वो इतना सा बाउल होता है और उसको इतना भरते हैं। मेरे सामने एक बड़ा डिसेंट सा बंदा, वो अपनी फैमिली के लिए बाउल भर के लेके जा रहा है, फैमिली बैठी हुई है, वो लेके जा रहा है तो वो आधा नीचे कर करते 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 उसकी शर्ट में पड़ता। मैं कहा भाई मैं आपकी हेल्प कर, मैं कहा मैं यार नहीं कर सकता हूँ, बताओ मैं ये। अब मुझे ये बताएं जिसका बेटा या बेटी या बीवी वहां बैठी है, उनकी तबीयत क्या है, क्या होगी, वो क्या फील करेगी? वो बेटा जब जाएगा अपने दोस्तों के साथ, वो कहता है अब्बा जी ने प्लेट भरी सी, वो पता नहीं प्लेट के रिश्ते सालन रहा कि नहीं, कि सैलड रहा कि नहीं, शर्ट और नीचे बहुत था तो मैं भी ऐसे करूं। उससे सीखेगा ना, उसे उसे कोई और लाख सिखाए तो वो कहते चोटी का, ठीक है, वो पता वो बात मैंने उसे कह दिया था और पता मुझे बात सर थैंक यू मैंने तुम फिर शर्म किया सिखाने के लिए कुछ किया। और हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते, हम सीखने के लिए और कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है, तो हम जब इशारों को नहीं समझेंगे ना, वो कहते हैं शादी से पहले तो हम इशारे बड़े समझ लेते, यहाँ पे तुझे अतीफा याद है सुना देता हूँ, कहते बोरिंग ना हो जाएगी। वो एक बूढ़ी माँ थी, माई एजेड हो गई थी ना, तो उसके पीछे लड़का साइकिल वाला जा रहा था, तो उसने वो उसको हॉर्न दिया या सीटी बजाई तो वो साइड पर नहीं हुई और वो साइकिल उस खातून में लग गई, तो वो खातून गुस्से में आया, कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें साइकिल मुझे मार दी, कहता है माँ जी मैं तुम्हें बड़ा दूरों सीटियां मार के शुरू मैं तुम्हें बड़ी दूर तो सीटियां मारे थी, अब कुछ फैमिली का देखे ना कि बेटा हूँ अब मेरी उम्र नहीं है, जब मैं 20 साल की थी तो हर सीटी पर रुक जाती मेरी उम्र नहीं है, जब मेरी उम्र थी तो मैं हर सीटी को रुक जाती। हमने भी देखना है कि कौन सी सिटी है रुकने वाली है और कौन सी सिटी है जो एंजाइटी देने वाली है, कौन सी हमें तंग करने वाली है, ये सिचुएशन के साथ हमने किस वक्त हमने बचना है कि हादसा ना हो जाए, और किस वक्त हमने सिटी को सुनना है कि ये सिटी मेरी है। तो कहां पे थे हम? हैबिट्स पे। तो जरूर आदतें ऐसा नहीं है, हम
हम सबका एक्टिंग करते हैं, यहाँ एक्टिंग का भी बहुत बड़ा बड़ा जुमला है कि हम एक्टिंग हमने करनी होती है जब हमें कोई ना देख रहा हो, बहुत बड़ी गहरी है एक्टिंग हमने तब करनी है। यहाँ जुमला और तरह का है, मैं आपको वो 100% बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, बताना नहीं चाह रहा, अब सिर्फ समझाना चाह रहा कि एक्टिंग हमने तब करनी है जब हमें कोई देखना रहा हो, जब हम कोई वीडियो बना रहे हो कि मैंने लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों को मैंने इंस्पायर करना है कि मेरी वीडियो बन रही है मैं ऐसे, और रियलिटी में हमने तब रहना है जब रियल रिश्ते हो, हम अपनी अहम रिश्तों में एक्टिंग कर देते हैं, हम अपने रियल रिश्तों में एक्टिंग करते हैं, जो रियल नहीं होते वहां पर हम गहरी डालने की कोशिश कर रहे। बात भी गहरी है, डीप है, समझने की जरूरत है कि अपने रियल रिश्तों में एक्टिंग मत करें, क्लैरिटी पर रहें, हकीकत के करीब रहें। मैं अगर हूं तो मेरी माँ को, मेरी वाइफ को, मेरे बाप को, मेरे भाई को पता है कि यार ये शख्स कितना बुरा है, कहां तक जा सकता है, अगर बुराई करेगा तो कहां तक जाएगा, अगर अच्छा है तो कहां तक जाएगा, अच्छा है तो कहां तक जाएगा। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल शेयर करता हूं अपनी रियल लाइफ की। बेटे की बर्थडे आई, 20 जून को बेटे की बर्थडे थी, वो 2 साल का हो गया, तो एक उन्हें साइकिल का गिफ्ट मैंने दे दिया, मेरे बड़े भाई ने वो सेम साइकिल, वो भी उस तरह की ले आया, मैं भी उस तरह की ले आया। अब क्या है, वो 2 साइकिल हैं, दोनों को तोड़ना ना, उसने चलानी तो पूरी उसको नहीं आती, दोनों को खराब कर दिया। एक दिन देखा मैंने, 2 दिन देखा, तो 3 दिन देखा, मैं बात आपको बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट की। तो 3रे दिन मैंने बेगम को कहा कि यार ये वाली साइकिल, एक साइकिल किसी को दे दो यार, ये 2 साइकिल इसलिए क्या एक भी नहीं, तो ये खराब कर देगा, एक साइकिल किसी को गिफ्ट कर दो, दे दो, आपकी इतनी टीचर्स हैं उनके बच्चे होंगे। तो बेगम कहती ठीक है। मैं 2रे दिन गया तो बेगम मुझे कहती है कि मेरी एक टीचर आई थी आज मेरे घर में, चल मिले उससे 2 साइकिलें देखी, तो कहती ये साइकिल मुझे दे दे, तो मुझे ये बताएं मैं उसको ये कितने पैसों में दे दूं, मैं उसे कितने पैसों में ये दे दूं। तो मैं वो मीटर छोटा था, मीटर घूम गया, तो मैंने कहा खुदा के लिए ये आपको मैंने कब कहा था, पैसों की बात कहाँ पे आई थी, कहती मुझे तो नहीं पता, आपने देने के लिए कहा था तो उससे मुझसे पूछा पैसे, तो मैं कहती मैं पूछ के बताऊंगा। तो मैं खामोश रहा तब तक, वाइफ भी खामोशी, तो बड़ी बेटी बहुत कहती मामा मैंने उसी वक्त कहा था कि आप पापा के आने से पहले जितने में दे दिए दे दे, अगर पापा आ गए ना तो उन्होंने कहा पैसे क्यों मांगे, मैंने तो गिफ्ट देने को कहा था, मैंने तो फ्री देने को कहा था, पैसे क्यों मांगे। तो मैंने कहा जी उठाए साइकिल, गाड़ी निकाले और अभी उनके घर देखे। अब ये बात क्या, ये हैबिट की बात है कि 13 साल की मेरी बेटी है, मैंने तो उसे कभी नहीं बताया, मैंने कभी उसकी जजमेंट नहीं ली, कभी उसने भी मुझे नहीं फील करा कि बाबा जी मैं आपको जज कर रही हूं। बट करते करते उसे 13 साल बाद ये आइडिया हो गया कि बाबा की हैबिट क्या होगी, मम्मा की क्या होगी। उसने कहा कि मैंने कहा था कि बाबा आ गए तो उन्होंने आपने भी इस पे दराव हो जाए, पहले दिन दे। तो मैंने कहा अभी बैठे गाड़ी निकाले और देखे। तो अब ये हैबिट्स आपके साथ जुड़ी हुई है, और वो है जो आप ऑफ एंड ऑन करते हैं। हम जब किसी के साथ एक्टिंग करते हैं तो बहुत देर नहीं कर सकते, जब हमें मैनर्स नहीं होते। हमें मैनर्स पे बहुत बड़ा एक लेक्चर है, मैंने मैनर्स पे लेक्चर कहीं के अटेंड भी की, बहुत अहम है, अगर कभी हुआ तो जरूर इसको करेंगे कि इस पर भी हम बात करें। मैंने मैनर्स पे सीखा है कैसे थैंक यू कहते हैं, कैसे शुक्रिया अदा करते हैं, कैसे वेलकम कहते हैं, कैसे किसी को खुदा हाफिज़ कहते हैं, कैसे अगर आप किसी के साथ नाराज हैं तो नाराजगी का इजहार कैसे करना, कैसे तोहफा देना है, कैसे लेना है, कैसे किसी को मेरा मतलब शुक्रिया अदा करना है, कैसे दूसरे बंदे को फील देनी है कि भाई मैं आपको कुछ दे नहीं सका बट मेरे इमोशंस आपके साथ हैं, मैं आपके लिए कुछ ला नहीं सका, मेरे इमोशंस आपके साथ हैं। कहते थे कि रास कह देते हैं नाजुक से इशारे अक्सर, कितनी खामोश मोहब्बत की जुबान होती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कुछ किसी को प्लेट में रख के दे दो फील करे, यू आर द ग्रेट फॉर मी, ग्रेट इज ग्रेट, और वो किससे है, अपनी आदतों से, अपनी आदतों से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहते हैं कि यहां मैंने सच बोलना है, बाहर निकल के झूठ बोलना, कि यहां मैंने अच्छी एक्टिंग करनी है बाहर जाके मैंने झूठ करनी, या बाहर मैंने अच्छी करनी यहां मैंने, ये आपके साथ चीजें जुड़ी हुई हैं। ये मेरा बिलीव है
कि आप 100 पर्दों के अंदर जो मर्जी कर रहे हो, बात मेरी लिख ले, जुमला मेरा दिमाग में बिठा दें, अपने पल्लू से बांध लें, आप 100 पर्दों के अंदर जो भी कर रही हैं बाहर बताओ। आपने 100 पर्दे के अंदर जो भी किया बाहर पता है, और ये वही पता है जैसे मैंने पहले शेर पढ़ के आपको सुनाया कि लोग आपके मुंह पर ही जाते, लोग आपसे शर से डरते हैं, लोग आपके तलक से डरते हैं, लोग आपको ये कहते हैं कि इसको कहने का क्या फायदा, इसने कौन सा सुनना है, इसने कौन सा मानना है। कितने बदकिस्मत होते हैं वो दोस्त जो अपने दोस्तों को अच्छी बात इसलिए नहीं कह रहे होते, यार नंबर वन इसने मानी नहीं, अगर मान भी लिया तो इसने कौन सा हद से हट जाना, इसकी तो ये नेचर, इसकी ये जबिलत है। और ऐसा है मियां बीवी के रिश्तों में, ऐसा है कि जहां बीवी ये कहती है कि क्या फायदा इसने कौन सा मान, यहाँ हस्बैंड ये सोचता है कि क्या फायदा इसने कौन सा आदत बदल दी, आदत बेहतर अपनाए, आदत को गलत है तो उसको चेंज कर और उसको परमानेंट रखें, अच्छी आदत को परमानेंट रखें। एक वक्त आएगा कि वो आपकी वैल्यू बन जाएगी, आपकी क्वालिटी बन जाएगी, आपकी पहचान बन जाएगी, आपके वर्थ बन जाएगी, आपका वजीफा बन जाएगी, आपका स्कॉलर बन जाएगी, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, और यू आर द ब्रांड। हम जैसे कहते हैं कि ब्रांड इज इंपॉर्टेंट, आप ब्रांड बन जाएंगे, और ब्रांड इंसान को आदतें बनाती है, आदत बनाती है। जब इस पर काम करते हैं, जब हम इस पर काम ही ना करते तो हम खाली हो ही रह जाते हैं, तो चाची छीदा कुकी शीरा, ठीक है ना मासी, वक्त आना है जरूर, ये वक्त आना है, ये मेरे पे भी आना है, ये आप पे भी आना है, हमें उस वक्त से निकलना है ना, रोल मॉडल बनना है, रिश्तों में रोल मॉडल बनने के लिए इतने रिश्तों में काम करना पड़ता है, और ये अहम रोल मॉडल है जो आपको पे बैक करता है, ये बहुत चीज है जो आपको पे बैक करता है। इंसान की जिंदगी में काश आते रहते हैं, काश से जान छुड़ाते हैं, और जब इंसान ने अपनी आदतों पर काम किया होता है ना, उसके पास काश बड़े कम होते, उसके पास काश बहुत कम होती, और जिसकी आदतें बेहतर होती हैं उसे सफाई की जरूरत नहीं। हम तो गेस्ट घर में आ रहे हैं ना, तो वो गेस्ट आ रहे हैं जी, बेडशीट चेंज कर दें, पिल्लो चेंज कर दें, अच्छा जी ये पोछी लगा दें, ये सोफे पर कपड़ा हटा दें, होता है जी। हजूर जो हमेशा अपने घर को नीट रखते हैं उन्हें क्या जरूरत है, जब तुम हटिए उसे क्या जरूरत है मेकअप करने, उसे क्या जरूरत है संवरने की, पहले दिन से नीट है, उन्हें गुरु ने अपना म्यार बना के रखा, म्यार अपने म्यार पर है। जब आपका म्यार है तो मेरा ये बिलीव है, मेरा ये दावा है, मेरा ये यकीन है कि अल्लाह आपको म्यार आपका देगा, अल्लाह आपको आपके म्यार से कभी भी नीचे नहीं देगा, अल्लाह आपको आपका म्यार देगा। और जब अल्लाह इंसान को म्यार देता है ना, फिर इंसान को म्यार म्यार ढूंढने से नहीं मिलता, चलाकी खुदी से नहीं मिलता, होशियारी से नहीं मिलता, अल्लाह की रजा में रहने पे और अपनी जात पे काम करने से म्यार मिलता, इन्ना वाला वाला दिन नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ और लिखूं और यहाँ पे कुछ और सोच रहा हूँ, यहाँ कुछ और हो और यहाँ कुछ और, तो म्यार कहाँ है, तस्वीर कहाँ है, ये नहीं। नेक्स्ट चीज, क्या है ये, यार हमारे घरों का सबसे मोहलत, हमारे घरों का, मैं आपका नहीं कहा सर, मैं भी जानू, हमारे घरों का सबसे मोहलत मानसिक शक। पहले हम रिश्तों को समझते नहीं और अपनी आदतों को नहीं बदलते।